व्हाट इज अप गेमर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और यार पबजी मोबाइल का तो देखो पता नहीं कब तक आएगा। तो यार लास्ट के 20-25 दिन से देखो मैं तो माइनक्राफ्ट ही खेल रहा हूँ और माइनक्राफ्ट में काफ़ी कुछ मैंने प्रोग्रेस भी कर लिया है। और आज का जो दिन है यार, मैंने सोचा आज का गेम प्ले जो है आज का तो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं मारने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को इस आयरन आर्मर के साथ। तो बिल्कुल भी नहीं, दिखा देता हूँ, मेरे पास डायमंड की कमी नहीं है अपने पास, अगर मैं तुम्हें चेस्ट में दिखाऊंगा भी। लेकिन तुम्हें बता दूं कि एंडर ड्रैगन को जो हम मारेंगे इस डायमंड आर्मर से नहीं, नेदरराइट आर्मर के साथ मारेंगे एंड बिना पोशंस के मारेंगे, जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हार्ड होगा, उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो एक भी पोशन, एक भी इफेक्ट, एक भी गोल्डन एप्पल, कुछ भी हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ फेस टू फेस फाइट। लेकिन इसमें मेरी हेल्प करेगा ये मेरा भाई, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसके पास भी सेम वही आइटम्स हैं जो मेरे पास हैं, तो इसका मतलब डबल पावर यार, डबल पावर, तो उससे एंडर ड्रैगन की बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन एंडर ड्रैगन से फाइट हम बाद में करेंगे यार, लेकिन मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ बिल्ड कर रखा है, तो वो मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड का एक टूर देना चाहूँगा। तो उससे पहले यार मैं एक चीज़ तुम्हें दिखा के क्लियर कर देता हूँ। यहाँ मैं जाऊँ सेटिंग में और यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरा मोड सर्वाइवल है एंड मैंने इसमें क्रिएटिव नहीं किया है, माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है। जो लोग भी खेलते हैं उन्हें पता है, अगर हम क्रिएटिव कर लेते हैं हमारे पास ये वाली स्क्रीन नहीं आती, तो इसे हम गो बैक कर देते हैं। और टूर देने के लिए मैं फिलहाल इसे पीसफुल मोड पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे यार कोई क्रीपर फटे वटे ना और यार टूर देने के चक्कर में रिपेयरिंग करनी पड़ जाए। तो इसलिए यार ताकि हम आराम से चिल मार के, देखो शाम का भी टाइम है, रात को तो एकदम वर्ल्ड चमकने वाला है, तो उसमें मैं तुम्हें टूर दूंगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब का तो तुम्हें दिख ही गया होगा, वो भी तुम कर ही देना। एंड यहाँ पे तुम देखो सबसे पहले एक मेरा डिसेंट सा घर है, छोटा सा घर है, जब मैंने माइनक्राफ्ट में ये वाला वर्ल्ड स्टार्ट किया था तो उसी दिन मैंने ये घर बनाया था, सेम टू सेम डे वन से आज तक ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है। मैंने अपने लिए कोई दूसरा घर नहीं बनाया, बस इसमें चेस्ट जो है वो मैंने और लगाई होंगी, बाकी यार ये जूं का तो वर्ल्ड है। और यहाँ पर अगर तुम देखो ये जो तुम्हें छोटी सी जो चीज़ दिख रही है यार, ये मेरे रैबिट्स के लिए था, और यहाँ पर यार ये खतरनाक बिल्लियाँ जो घूमती रहती हैं, उन्होंने यार मेरे प्यारे प्यारे दो रैबिट्स थे उन दोनों को मार दिया, उनके लिए घर था, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो देखो एक बार तुम ये देख लो उसको, मुझे नहीं पता शायद बाण कुछ भी कहते हैं, काउस का ये घर है, तुम इसे देख सकते हो। भाई अभी मत बार, अपने पास खाने की बहुत बहुत तंगी नहीं है, तो इसलिए इसे अभी मत बार। यहाँ पर काउस को हम आराम से फीड करते हैं, ब्रीड करते हैं एंड यहाँ पर इनसे हमें लेदर और खाने की तो कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद मैं तुम्हें दिखा दूँ यार, जब काउस के लिए है तो ऑफ कोर्स यार अपने हॉर्सेस के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये मेरे हॉर्सेस के लिए एक जगह है, तो देख सकते हो एकदम मस्त जगह है, और यहाँ पर मैंने छोटी मोटी डेकोरेशंस कर रखी हैं। एंड यहाँ पर भाई जितना अच्छा घर है उतना अच्छा ही यहाँ पर एक घोड़ा भी है, जिसकी वजह से मुझे बनाना पड़ा यार, क्या ही बोले, एक मिनट इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है यार, ये बहुत मचलता है। तो देखो फाइनली मैं उसके ऊपर बैठ गया एंड भाई इसकी स्पीड एंड जो इसकी जंप है यार वो बहुत हाई है, एंड भाई बहुत ख़तरनाक घोड़ा है, ईमानदारी से बहुत ख़तरनाक हॉर्स है, तो इस पर बैठ के एकदम मज़ा आ जाता है। लेकिन इसका शो ऑफ हम बाद में करेंगे, आज तुम और भी चीज़ें दिखानी है, तो और एंडर ड्रैगन को ही मारना है। और मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन यार वर्ल्ड में काफ़ी कुछ है दिखाने को, जिसे यार मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यार मैंने बनाया ही इतनी कुछ मेहनत से है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ यार तुम पूरा वीडियो देखो जिससे तुम्हें हर चीज़ दिखे। तो इसे बंद कर देते हैं। ओके सामने है मेरा प्यारा सा एन्चेंटिंग सेटअप, जहाँ से यार मुझे बहुत ही खतरनाक एन्चेंटमेंट्स मिल जाते हैं। और एक सीक्रेट तुम्हें बताता हूँ, सीक्रेट क्या, एक ट्रिक है गाइस। पहली बात तो तुम ये देखो, एकदम अमीरों वाली फीलिंग आती है इस तरह गोल्ड ब्लॉक लगाने से। तो तुम्हें मैं दिखाऊँ, इसमें मेरे पास एन्चेंटमेंट्स ये देखो, ये सब मुझे इसी में से मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है एक बार में मुझे एन्चेंट करके मिली, इसे मैंने एन्चेंट करा है ना, इसमें जो तीन चीज़ें हैं मुझे एन्चेंटिंग टेबल से मिली हैं। वो किस तरह, मुझे मिली तो कम लेवल की थी, बट मैंने यहाँ हमेशा जो थर्ड लेवल वाली एन्चेंटमेंट है उसे ली एंड साथ ही दो डायमंड पिकेक्स पे वो एन्चेंटमेंट ली 30-30 लेवल वाली, और फिर उन्हें यहाँ एनविल से कंबाइन किया एंड भाई उसके बाद मेरे पे फॉर्च्यून 3 वाली पिकेक्स है, एफिशिएंसी 4 है एंड ब्रेकिंग 3। और आज यार मैंने विलेजर से मेंडिंग ले ही ली है, तो यार तुम्हें विलेजर्स दिखा देता हूँ जिन्हें मैं लिटरली, भाई तुम देखना अभी हम जाएंगे उस विलेज में, मुझे शक है वहीं पे देखना, वहाँ पर एक वो होगा एंड पोर्टल के लिए एक वेल है, तो उसे ही मैं खोदूंगा। तो यहाँ पे थोड़े से आज के हालात ख़राब हैं, सारे लैक्टन मैंने इस तरह लगा रखे हैं, क्योंकि आज मुझे इनसे मेंडिंग निकालनी थी भाई, आज मेंडिंग चाहिए थी, मैं नहीं चाहता था मेरा नेदरराइट कार्मर ख़राब हो, इसलिए मैंने इस तरह लैक्टन्स को लगाया, बार बार इन्हें तोड़ा, ब्रेक किया, फिर लगाया, फिर तोड़ा, और जब इतनी मतलब मैंने ऐसे शायद 10-15 बार करा होगा, तब जाके ये वाला विलेजर अब मुझे तैयार हुआ है भाई मेंडिंग की बुक देने के लिए, वो भी सिर्फ 10 एमरल्ड्स में। फिलहाल तो मेरे पास 3-4 एमरल्ड्स पड़े हैं,
लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज हम इनसे ट्रेड करेंगे। ज़्यादातर जो मेरे पास विलेजर्स हैं भाई, घंटी मत बजा यार, प्लीज़ घंटी मत बजा, सबको उठा दिया इसमें। चलो कोई बात नहीं, तो ज़्यादातर जो यहाँ पर विलेजर्स हैं वो हैं लाइब्रेरियंस, एंड हमारे पास 3 से 4 हैं वो हैं आर्मरर हैं, तो उनके लिए हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ चेस्ट में कोल काफ़ी सारा है, वो हमारे से कोल में ट्रेड करेंगे, इसलिए हमने कोल कलेक्टर के यहीं पर चेस्ट में रख दिया है। एंड पेपर भी हमारे पास है कुछ 3-4 स्टैक हमारे पास पेपर है, तो उससे हम इनसे ट्रेड कर लेंगे लाइब्रेरियन से भी, तो उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद मैं यहाँ पर सामने जाता हूँ, तुम्हें एक और छोटी सी मशीन मिलेगी, वो है मेरा ऑटोमेटिक वूल फार्म। यहाँ से मुझे ऑटोमेटिकली भाई जब जब मैं गेम खेलता रहता हूँ ऑटोमेटिकली वूल कलेक्ट होती रही है। एंड इसके बाद सामने मेरा है अंडरग्राउंड बेस, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पर नीचे ये गेट तुम खोलोगे और यहाँ पर है मेरा अंडरग्राउंड बेस, और ये देख सकते हो तुम, मेरा एक अंडरग्राउंड बेस है यहाँ पर मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। और इसमें 2-3 खास चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले तो यहाँ से मेरा नेदर है, नेदर पहले मेरा ऊपर था लेकिन अब मैंने इसे नीचे शिफ्ट कर दिया, और साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत नेदर की आइटम्स के साथ ही इसमें डेकोरेशंस कर दिए हैं। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर दिखेंगे 2 दरवाजे, और इन 2 दरवाज़ों के पीछे एकदम बढ़िया चीज़ है यार। तो सबसे पहले मैं ये वाला दरवाज़ा खोलता हूँ, एंड लुक एट दिस गाइज, यार नेदरराइट का आर्मर है, मजाक थोड़ी ना है, उसे मैं चेस्ट में थोड़ी ना रखूँगा इस तरह, या तो मैं उसे पहनूंगा इक्विप करूँगा, यार चेस्ट में रखूँगा तो मेरे से खो जाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए ये अलग से जगह बना रखी है। यूजुअली जो मैं स्वॉर्ड यूज़ करता हूँ वो आयरन की है, बाकी देखो यहाँ पर नेदरराइट की भी स्वॉर्ड है, और जो मेरी आयरन स्वॉर्ड है उसका भी अच्छा खासा डैमेज है यार, 11 का डैमेज है। एंड आसपास तुम देख सकते हो लावा तो एकदम बह रहा है, जिससे एकदम अच्छा लुक आ रहा है। थोड़े बहुत मैंने ग्लासेस लगा रखे हैं जिससे यार थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो, थोड़ी सी सेफ्टी हो, इसमें मैं जल के ही ना मर जाऊँ, तो इसे हम कर देते हैं बंद। एंड अभी जो दूसरा वाला है, सारी चीज़ें जो हमने इसमें बनाई है ना वो मैंने इसके भाई के साथ मिलके बनाई है, लेकिन ये जो अलग अलग रूम है ये हमने अलग अलग ही बनाए हैं। एंड तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा आर्मर है, एंड यहाँ पर इसका आर्मर है, और भाई ने यहाँ पर यार गोल्ड के ब्लॉक बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, जिसके वजह से यार इसका आर्मर के आसपास शाइन बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि यार मुझे ही बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगता है तुम्हें भी मेरे वाले ज़्यादा ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार ऑफकोर्स इसने बहुत ज़्यादा गोल्ड ब्लॉक उठाया उस चेस्ट में से, मैंने तो थोड़े बहुत ही उठाए थे यार, 6 से 7 ब्लॉक, और यहाँ पर तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इनने गोल्ड ब्लॉक, एंड इतने ऊपर से यहाँ पर येलो ग्लासेस यूज़ करें, जिसके वजह से यार ये बहुत ही ज़्यादा शाइन मार रहा है। इसके बाद यार मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक और बढ़िया जगह पर, जो मैंने अच्छे से डेकोरेट कर रखी है। पहले तो मेरा ये देख लो शुगर केन फार्म है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर लाइब्रेरियंस है, इसलिए यार जिससे पेपर की कमी ना हो और मैंने पेपर के साथ ट्रेड करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर शुगर केन का फार्म बना रखा है। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो एक डॉक है जिस पर हम आराम से फिशिंग भी करते हैं, एंड तुम इसका लुक देख सकते हो यार, क्या ही ओपी लुक है। मैं तुम्हें स्क्रीन पर इसका एक फ़ोटो दिखाता हूँ, एक प्रीवियस फ़ोटो दिखाता हूँ, उसमें तुम देख सकते हो यार, जो एक सिंपल सा पहाड़ था उसमें से यार मैंने इसमें से एक वाटरफॉल निकाला है, और मेरी एक फ़िशिंग रॉड देख लो तुम यार, इसमें एकदम मैक्स फिशिंग रॉड है, मुझे नहीं लगता इससे आगे भी कुछ इसमें अपग्रेड्स हो सकती हैं। और इस फिशिंग रॉड की बदौलत यार देखो हमने यहाँ फिशिंग कर करके काफ़ी ज़्यादा फिश इकट्ठी कर ली हैं, जिन्हें हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे थे खाने के लिए, क्योंकि हमारे पास काउज हैं और उनसे हमें अच्छा खासा फूड आइटम्स मिल जाते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती है हमें फ़िश की, तो मेरे ख्याल से कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम देख सकते हो मैंने अच्छा खासा यहाँ पर डेकोरेशन कर रखी है, सी ग्रास भी है एंड शुगर केन्स आसपास बहुत छोटी मोटी डेकोरेशन कर रखी हैं स्टेयर स्लैब्स वगैरह से, और सामने तुम देख सकते हो एक वाटरफॉल है। यार बस मेरे वर्ल्ड में इतना ही था, अब हम चलते हैं डायरेक्ट विलेजर्स के पास उनसे ट्रेड करने, तो देखते हैं हमें वो क्या कुछ देते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखो ट्रेडिंग का तो मैंने सारा सीन काट दिया, बहुत टाइम लगा उसमें, एंड जो हमारे विलेजर्स हैं उनके औकात ख़त्म हो चुकी है और मुझे सिर्फ इतने एमरल्ड्स की प्राप्ति हुई है। लेकिन इससे जो हमें मेंडिंग की बुक जो हमें दे रहा है उसमें मुझे लगता है आराम से हम 8 बुक्स चाहिए, और 8 बुक्स हमें बड़े आराम से मिल जाएगी, तो हम फटाफट से उसे ढूंढ लेते हैं। वो लाइब्रेरियन का है जो हमें मेंडिंग की बुक प्रोवाइड कर रहा था, गाइज ये रहा वो लाइब्रेरियन जो हमें मेंडिंग की बुक्स दे रहा है, तो यार इससे हम लेंगे टोटल 8 बुक्स लेंगे, क्योंकि 5 उसे चाहिए मेरे भाई को और 5 मुझे चाहिए, और 2 हमने पहले से परचेज कर रखी है। ओके क्या हुआ ये, अच्छा एमरल्ड की कमी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इससे सारी बुक्स परचेज कर लेते हैं जितनी हम ले सकते हैं, अभी हमें 8 ही चाहिए वैसे, उससे ज़्यादा तो वेस्ट ही होने वाली है। तो अभी हम फटाफट चलते हैं और अपने आर्मर को कर लेते हैं मेंडिंग वाला, और ये रही वो आखिरी चीज़ जिस पे मुझे मेंडिंग लगानी है, और अब मेरे पे मेंडिंग की बुक्स हो चुकी है ख़त्म, एंड सब चीज़ हमारी मेंडिंग वाली हो चुकी है। अब यार ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली, अब हम इसे फटाफट से इक्विप कर लेते हैं। सो गाइस ये रहा मेरा एक नेदरराइट के आर्मर में लुक, और अब इस नेदरराइट के आर्मर के साथ और इस नेदरराइट की शॉर्ट के साथ हम जाने वाले हैं एंडर ड्रैगन को मारने।
सो गाइज अभी तो हम एक काम करते हैं, अभी जो ट्रैवल है वो हमें बहुत लंबा करना है, इसलिए हम वो सारा सीन करते हैं कट और तुम्हें मिलता हूँ मैं डायरेक्ट एंड पोर्टल पर। सो गाइज जितना मेरा बेकार का मटेरियल है वो सब मैं इस चेस्ट में रख देता हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता यार फाइट में काम आएगा। एंड पोर्टल भी हमने एक्टिवेट कर दिया है, तो आई ऑफ एंडर का भी कोई काम नहीं है। तो एक स्टैक मैंने खाने का भी यहाँ पर रख दिया है जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम मर जाते हैं। तो लेट्स गो इनटू यार एंड क्या यार इसे वर्ल्ड को क्या कहते हैं, एंड डायमेंशन कहते हैं मुझे नहीं पता, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं इतने टाइम से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ और मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो एक अच्छी बात हुई यार हम किसी गड्ढे में नहीं स्पॉन हुए, हम वरना किसी कमरे में स्पॉन होते। अब हमें बिल्ड करके जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं ये बिल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसके पीछे पीछे जाएंगे। ओके चलो गाइस देखते हैं वो एंडर ड्रैगन कहाँ पे। अब यहाँ से मैं चाहूँगा यार वीडियो बिल्कुल भी ना कटो, क्या भाई नो क्या। ओके तो यार एंडर ड्रैगन का अभी तक मुझे ओपन नेम नहीं दिखा, एंडर ड्रैगन नहीं है क्या भाई हमारे वर्ल्ड में, फिर उसके एंड क्रिस्टल तो मुझे दिख रहे हैं, एंडर ड्रैगन कहाँ पर है। ओके तो यहाँ पर है हमारा दुश्मन एंडर ड्रैगन, एंड मैं देख सकता हूँ एंडरमैन अभी से हमें परेशान करना शुरू कर रहे हैं, उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी है। भाई अभी एंडर ड्रैगन को हमने कुछ भी नहीं कहा है, फिर भी आप हमारी ऐसी तैसी करने पर लग गए हैं, तो कृपया हमें माफ़ करें, पीछे हो जाएं प्लीज़। ओके मैं यहाँ पर वाटर डाल देता हूँ यार, जिससे मुझे एंडरमैन बिल्कुल भी परेशान ना करें। और ये रहा भाई इसका लास्ट एंड क्रिस्टल, जिससे यार बहुत दबा के यार पावर रिकवर कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसे मार नहीं पा रहे हैं। भाई अब तक इसका खेल खत्म है, इसके एंड क्रिस्टल जब एक बार टूट जाए ना भाई, एंडरमैन ने बिल्कुल परेशान कर रखा है। चलो भाई इस एंड क्रिस्टल को हम फटाफट से तोड़ देते हैं, वरना यार हमारी बैंड बजा देगा ये रिपेयर कर करके इसे, तो यार हील करेगा ना, उसे रिपेयर कहाँ करेगा, कोई टूल थोड़ी ना है। चलो कोई नहीं, और अरे यार पानी तो वहीं रह गया, मैं यहाँ से जंप नहीं लगा सकता। वैसे तो मुझे भरोसा है मेरे नेदरराइट शूज़ पर, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी यार हम रिस्क नहीं लेंगे, हम बिल्ड करेंगे एंड जाएंगे वहाँ पर, एंड वहाँ से डायरेक्ट पानी में जंप लगाएंगे। ओके अरे भाई अभी भी सामने एक एंड क्रिस्टल है, मुझे लगा था ये लास्ट वाला है, कोई बात नहीं उसे भी तोड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके अब नीचे तो मैं आ चुका हूँ यार, एंडरमैन ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा यार, मैं नीचे उतरता नहीं हूँ, मुझे एंडरमैन मारने शुरू करते थे। वाटर बकेट से मैं ऊपर तो चढ़ गया था, अच्छा मैंने पहले वाटर बकेट लगाई थी, अभी मुझे इसका एंड क्रिस्टल यार मुझे अभी तो दिख रहा था, वो एंड क्रिस्टल कहाँ गया यार मुझे दिख नहीं रहा। ओके यार ये एंडरमैन बड़ा परेशान कर रहे हैं भाई, हेल्थ भाई यार मुझे खाना भी खाना पड़ेगा। ओके यार वाटर डाल देते हैं यहाँ पर, अब इसके आसपास नहीं आएंगे एटलीस्ट, यार मैं अपनी फूड बार जो है उसे तो रिकवर करूँगा। अरे यार ये इसके अंदर भी मार रहे हैं भाई, तुम तो पानी से डरते हो, तुम तो दूर रहो। ओ यार भाई व्हाट द हेल यार, एंडरमैन ने बिल्कुल यार दिमाग ख़राब करके रखा है यार, कोई तब से मैं ये क्रिस्टल नहीं तोड़ पा रहा यार। भाई यार ड्रैगन स्प्रीत भी मार दिया यार, मुझे वाटर कलेक्ट करना पड़ेगा ये यार, वरना मैं ब्रीथ में ही चला जाऊंगा। ओ नो भाई, अरे भाई मरा, खत्म भाई यार। अरे यार मैं बिना पोशन के क्यों फाइट कर रहा था यार, मैं फालतू ज़्यादा स्वैग में आ गया यार, खामखा मेरा नेदरराइट आर्मर चला जाएगा अगर मेरा नेदरराइट आर्मर गया, भाई मैं वीडियो बंद कर दूंगा यार, ये तो गलत सीन है यार मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। अरे यार सारे काम आज ऐसे होंगे भाई, क्या करूँ मुझे दोबारा ही मरना पड़ेगा भाई, दोबारा ही मरना पड़ेगा। लो एक और बार वाइट में कूद गया मैं यार, मैं फालतू स्वैग में आया, मुझे लगा पोशन से इतनी दिक्कत नहीं होगी यार, फटाफट से बिल्डिंग मटेरियल ले लेता हूँ मैं। खुलना भाई क्या दिक्कत है सुनते हैं यार फटाफट, अगर मेरा नेदरराइट का आर्मर चला गया ना भाई, सच में मेरा इतना दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं वीडियो बंद कर दूंगा, मैं नहीं मार रहा एंडर ड्रैगन को यार, फिर मैं लिटरली वर्ल्ड डिलीट कर दूंगा, मुझे इतना प्यार है अपने नेदरराइट के आर्मर से। यार जल्दी से मुझे यार मेरा सारा सामान मिल जाए बस भाई, कुछ भी जाए यार, एक तो मेरी पिकैक्स ना जाए, एक स्वॉर्ड ना जाए और मेरा आर्मर ना जाए, बाकी कुछ भी जाओ भाड़ में सब दोबारा कलेक्ट कर लूँगा भाई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। जल्दी देखता हूँ यार, अब मेरे यार ये एंडरमैन परेशान लग रहे हैं, प्लीज़ एटलीस्ट सामान तो मुझे वापस लेने दे अपना, कि यार यहाँ पे सामान तो दिख रहा है मुझे अपना, लेकिन चलो डिस्पॉन नहीं हुआ अभी, इतनी जल्दी कहाँ से डिस्पॉन होगा, लेकिन यार यहाँ पे ड्रैगन स्प्रीत है, कोई बात नहीं भाई, पहले तो इतना इफेक्ट कर रही थी नेदरराइट के आर्मर में, ड्रैगन स्प्रीत ने ऐसी तैसी कर रखी थी। ओके मेरा नेदरराइट का आर्मर बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन मुझे पिकैक्स नहीं मिल रही है अपनी बिल्कुल भी। ओ भाई यार थैंक गॉड मुझे मेरा सामान तो वापस मिल गया, लेकिन अभी एंडर ड्रैगन नहीं बचने वाला यार, यार इसके सारे क्रिस्टल शायद मेरे भाई ने तोड़ दिए, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये वाटर कलेक्ट कर लेता हूँ यार, वाटर अच्छा हो मैं ज़रूर लिया, वरना यार वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं, मैं मर गया, लेकिन ये है कि वाटर से थोड़ा टाइम तो लगा। अरे भाई जल्दी आना यार, व्हाट द हेल यार आज क्या हो रहा है मेरे को, क्या दिक्कत है भाई। एंड क्रिस्टल अब तो मुझे नहीं दिख रहा यार, एंड क्रिस्टल अब तो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं भाई, क्या हुआ यार जल्दी रिप्लाई कर, लिख के रिप्लाई कर, तूने एंड क्रिस्टल सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, बता मुझे जल्दी से, फिर हम इसके एंडर ड्रैगन की बैंड बजाते हैं।
अच्छा है यार, इसका निशान एकदम बेकार है एंडर ड्रैगन का भाई। चलो एंड क्रिस्टल सारे खत्म हो चुके हैं, अब भाई तो मेरी नेदराइट स्वॉर्ड का काम है और मेरी इन्फिनाइट वाली बो का काम है। चलो अब फटाफट से यार क्या कर रहा हूँ मैं भी भाई। चल भाई अब तेरी दिखाता हूँ अपनी पावर नेदराइट स्वॉर्ड की। गया भाई खत्म, हेल्थ देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रही है इसकी, खत्म भाई। नेदराइट की स्वॉर्ड से नहीं बचने वाला ये, अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता, अब तो इसका हेल्थ गई बेटे। पावर 5 वाली बो है, आसमान में भी कहाँ तक उड़ेगा। निशाने तो लग जाए मेरे, लेकिन पावर 5 वाली बो से फ़ायदा क्या होगा इसका। अब मुझे कोई डर नहीं है, अब तो हम जीत गए गाइस, फाइट तो अब हम जीत गए इससे। कि यार मेरा लग नहीं रहा है एरो से, को लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, अब तो यहाँ आ गया ना, अब तो नेदराइट की स्वॉर्ड अब इसे अपना जलवा दिखाने वाली है। आ जाए बेटे कितनी भाई हाफ हेल्थ है, देखते हैं हाफ हेल्थ इसकी कितनी जल्दी ख़त्म होती है। ओके अरे यार थोड़ी देर और रुक जाता ना भाई, 10 सेकंड देता तू मेरे को भाई, 10 सेकंड तो यहीं रुकता ना तू, ख़त्म था भाई। अरे तू तो पावर 4 पावर 5 है यार, 4 कहाँ है मेरे पास, 5 है इसी से इसकी हेल्थ। ओके बहुत जल्दी हेल्थ जा रही है इसकी, एंड अब इसके बस एक या दो और मारने बस। ओके गाइस फाइनली बहुत ओपी एक डेथ के साथ यार मैंने इसे मार दिया यार। मुझे पोशंस यूज़ करने चाहिए थे, अगर मैं पोशन यूज़ करता मेरी एक भी डेथ ना होती, या मुझे गोल्डन एप्पल भी यूज़ कर लेता तब भी बहुत चांस थी मेरी एक भी डेथ ना होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हम बहुत ज़्यादा एक्सपी मिल चुका है जिससे हम बहुत खतरनाक वाली इंचार्टमेंट्स कर सकते हैं। तो यार बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में तुम्हें बेहतरीन इंचार्टमेंट्स करके एक्सपी के साथ। क्या हुआ भाई, भाई लाइन में लग गया, एक्सपी भी कलेक्ट नहीं हो रहा, क्या हेल्प भाई। छोड़ भाई अब मुझे तेरी हेल्प नहीं करनी, अब तो सबसे निमट लेगा। एंडर ड्रैगन तो मर गया ना भाई, ये तो बच्चे हैं एंडरमैन, लेकिन झुंड बना के आएंगे ना भाई, ये भी ऐसी तैसी कर देंगे। तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।